हेलो फ्रेंड्स, तो चलिए आज के इस वीडियो में हम लोग देखते हैं दी थर्ड लेवल चैप्टर की जो एमसीक्यूज हम लोग कंटिन्यू कर रहे थे उसको आज इस पार्ट टू में हम लोग कंटिन्यू करेंगे और क्वेश्चन नंबर 16 से हम लोग स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 तक मैंने इसके पार्ट वन में ही कंप्लीट कर चुका हूँ। हम लोग 16 से अब आगे देखते हैं। 16 कहता है, व्हाई डिड चार्ली विजिट सैम? हमारे ऑप्शंस हैं टू कंसल्ट द इंसिडेंट ऑफ थर्ड लेवल इंसिडेंट एट ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन, टू इनवाइट हिम, सी टू इनवाइट हिम टू अकम्पनी एट गैल्सबर्ग, एंड डी टू गाइड हिम इन गैल्सबर्ग। इसका एग्जैक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, टू कंसल्ट द इंसिडेंट ऑफ थर्ड लेवल इंसिडेंट एट ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन। आगे के क्वेश्चन में हम लोग आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछता है, डज द थर्ड लेवल रियली एग्जिस्ट एट ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन? हमारे पास चार ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए यस, बी यस देयर वर थ्री लेवल्स, सी नो देयर वर ओनली टू लेवल्स एट द स्टेशन, एंड डी नन ऑफ दीज। इसका जो एग्जैक्ट आंसर आपके पास है नो, आंसर सी है, नो देयर वर ओनली टू लेवल्स एट द स्टेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, 18 पूछता है, व्हाट अनयूजुअल थिंग द नरेटर सीज एट द ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन? हमारे ऑप्शंस है ए ट्रीज, बी मोटर कार्स, सी थर्ड लेवल, एंड डी ऑल ऑफ दीज। हमारे इसका एग्जैक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, दैट इज थर्ड लेवल। नेक्स्ट क्वेश्चन 19, व्हाई वॉज द नरेटर सीइंग दिस थर्ड लेवल? हमारे ऑप्शंस हैं ए एज अ विश टू विजिट गैल्सबर्ग, वॉन्टेड टू मीट हिज फ्रेंड्स, सी वॉन्टेड टू टेक अ ब्रेक फ्रॉम ऑफिस, एंड डी एज अ रिजल्ट ऑफ अ स्ट्रेस एंड एंजाइटी इन हिज माइंड। इसका एग्जैक्ट आंसर आपके पास है ऑप्शन नंबर डी, एज अ रिजल्ट ऑफ अ स्ट्रेस एंड एंजाइटी इन हिज माइंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 हमारे सामने स्क्रीन पे है। व्हाट डज द साइकाइट्रिस्ट एक्सप्लेन टू चार्ली? ऑप्शन ए द थर्ड लेवल इज अ ब्यूटिफुल प्लेस, बी थर्ड लेवल इज वर्थ सेइंग, सी थर्ड लेवल इज वेल मेंटेन, एंड डी दैट इट वॉज द रिजल्ट ऑफ अ स्ट्रेस एंड एंजाइटी ऑफ हिज माइंड। इसका एग्जैक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, दैट इट वॉज द रिजल्ट ऑफ अ स्ट्रेस एंड एंजाइटी ऑफ हिज माइंड। क्वेश्चन नंबर 21, हाउ डिड चार्ली रीच द थर्ड लेवल? ऑप्शंस इन हिज फैंटासी ही टेक्स अ सबवे और अ कॉरिडोर फास्टर देन अ बस, बी इन अ सुपर फास्ट ट्रेन, सी इन जेटवेज, एंड डी इन एन एस्केलेटर। इसका एग्जैक्ट आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव 22, व्हाट वाज द थर्ड लेवल? ऑप्शंस ए अ थर्ड लेवल टियर ऑन द स्टेशन, बी अ थर्ड स्टोरी ऑन द स्टेशन, सी एन इमेजिनरी डिस्कवरी ऑफ द नरेटर्स माइंड, एंड डी नन ऑफ दीज। द एग्जैक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज सी, ऑप्शन सी एन इमेजिनरी डिस्कवरी ऑफ द नरेटर्स माइंड। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव क्वेश्चन 23, व्हाट डिड चार्ली सी एट द थर्ड लेवल? ऑप्शंस फ्लिकरिंग गैस लाइट्स एंड पीपल विद फनी मॉस्टेसेस, बी ब्रास स्पिटन्स, सी मेन वियरिंग अ टैन गार्बर्डन सूट एंड स्ट्रॉ, एंड डी ऑल ऑफ दीज। द एग्जैक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 24, व्हाई वॉज लुइसा चार्लीज वाइफ वरीड? ऑप्शंस ए नोइंग द इंसिडेंट ऑफ थर्ड लेवल, बी फॉर नॉट गेटिंग टिकट्स, सी टिकट्स वर डिलेड, एंड डी सैम वॉज स्केयरिंग। तो इसका एग्जैक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, नोइंग द इंसिडेंट ऑफ थर्ड लेवल। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डज चार्ली वॉन्ट टू विजिट गैल्सबर्ग? चार्ली गैल्सबर्ग क्यों जाना चाहता था?
ऑप्शंस टू स्केप फ्रॉम द ट्रबलसम वर्ल्ड, टू एंजॉय सी, टू सी द ब्यूटीफुल लैंडस्केप, एंड डी टू मीट हिज ओल्ड फ्रेंड्स। इसका एग्जैक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, टू स्केप फ्रॉम द ट्रबलसम वर्ल्ड, टू एंजॉय टू सी द ब्यूटीफुल वर्ल्ड। इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डू यू थिंक द थर्ड लेवल वाज एन एस्केप फॉर चार्ली? ऑप्शंस नंबर ए, बिकॉज इट एग्जिस्टेड एट द थर्ड स्टोरी, बी बिकॉज सैम न्यू अबाउट इट, सी बिकॉज द ही शेयर्ड इट विद सैम, एंड डी बिकॉज इट एग्जिस्टेड ओनली इन हिज फैंटेसी एंड नॉट इन रियलिटी। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ देखते हैं। 27 कहता है व्हाट इज फर्स्ट डे कवर? फर्स्ट डे कवर क्या होता है? मैंने आपको पहले ही समझाया था इसके बारे में, इसकी जो स्टोरी में जब मैंने आपको बताया था, और जब इसकी स्टोरी मैंने आपको बताया पिछले की वीडियो में, उस वीडियो में आप जा करके देख सकते हैं कि इसकी फर्स्ट डे कवर का क्या मीनिंग होता है। दोस्तों इस चैनल को आप अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि मैं मुझे मोटिवेशन मिलता रहे और मैं अधिक से अधिक वीडियो आपके लिए बना करके भेजता रहूं, और आप अपने आप को अपनी नॉलेज को इम्प्रूव और इंक्रीज करते रहें। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो क्वेश्चन नंबर 27 है, व्हाट इज फर्स्ट डे कवर? ऑप्शंस हैं ए न्यू स्टैम्प गेट्स द पोस्टमार्क एंड डेट, बी अ गिफ्ट, सी अ गिफ्ट रैपर, एंड डी अ गिफ्ट रैप्ड इन अ ब्यूटीफुल रैपर। आपको इनमें से कोई एक सही आंसर चुनना है। तो इसका एग्जैक्ट आंसर है करेक्ट ऑप्शन नंबर ए, अ न्यू स्टैम्प गेट्स द पोस्टमार्क एंड डेट। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव, व्हाट इज फर्स्ट डे कवर? ये कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग बढ़ते हैं 27 के बाद 28 की तरफ। हाउ डज द स्टोरी इंटरव्यू फैंटेसी एंड रियलिटी? ऑप्शंस वी हैव ए फॉर चार्लीज टेंडेंसी टू ट्रीट हार्श रियलिटीज विद हिज इमेजिनरी थर्ड लेवल, ऑप्शन बी इट प्रेजेंट्स इमेजिनेशन, सी इमेजिनेशन हैपेंस ऑन सेंट्रल स्टेशन, एंड डी नन ऑफ दीज। The correct option is option number A for Charlie's tendency to treat harsh realities with his imaginary third level. Next question 29, what a specific difference did Charlie notice at the third level of Central Station? Options, everything was weird, everything was old style and smaller in size, everything was too big, and option D, everything was shining. The exact answer is option number B, everything was old style and smaller in size. Next question number 30, where was Charlie ducked on Central Station? Option A, into a room, B, into an office, option C, into an arched door heading for subway, and option D, into a store. The correct answer is option number C, into an arched door heading for subway. Question number 31, what was the strangest thing at the third level? Here the word strangest means है कौन सी अजीब चीज उनको उस third level में देखने को मिला? Options A, beards, B, mustaches, C, dresses, and D, the corridor that led him into the past. इसका exact answer है option number D, the corridor that led him into the past. Next question हमारे पास, where was Charlie often lost? Charlie कहाँ खो गया था? Options हैं from a train, from the footpath, from an escalator, and from a subway faster than bus at the
सेंट्रल स्टेशन। इसका एग्जैक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, फ्रॉम अ सबवे फास्टर देन बस एट द सेंट्रल स्टेशन। क्वेश्चन नंबर 33, व्हाट डिड चार्ली फाइंड इन हिज स्टैम्प कलेक्शन। चार्ली जब अपने स्टैम्प्स को कलेक्ट कर रहा था उसमें उसे क्या मिलता है, वह क्या पाता है। ऑप्शंस हमारे हैं ए ओल्ड एड्रेसेस, बी हेयर स्टाइल्स, सी ओल्ड लेटर्स एंड डी फर्स्ट डे कवर। तो इसका एग्जैक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, फर्स्ट डे कवर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट हैपेंस व्हेन चार्ली एंटर्स द ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन। ऑप्शंस, ही फाइंड्स अ ह्यूज ट्री लाइक अ स्टेशन, न्यू स्टेयर केसेस कॉरिडोर्स एंड टनल्स। ऑप्शन सी, ट्री कीप्स स्प्रेडिंग इट्स रूट्स थ्रोइंग रूम्स एंड विंडोज एंड ऑप्शन डी ऑल ऑफ दिस। द एग्जैक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दिस। क्वेश्चन नंबर 35, व्हाट कन्विंस्ड चार्ली दैट ही हैड रीच्ड द थर्ड लेवल ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन एंड नॉट द सेकेंड लेवल। ऑप्शन वी हैव नंबर ए, अ डिफरेंट वर्ल्ड ऑफ गैस लाइट्स एंड ब्रास स्पिटन्स, बी बियर्ड्स एंड मॉस्टेस ऑफ 1894, सी न्यूज़पेपर विद अ डेट June 11, 1894 एंड डी ऑल ऑफ दिस। द एग्जैक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 35 इज डी, ऑल ऑफ दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव क्वेश्चन नंबर 36, हु हैड सेंट दैट फर्स्ट डे कवर एंड व्हेन। उस फर्स्ट डे कवर को किसने भेजा था और कब भेजा था। तो यहां कब भेजा था यानी कोई डेट पूछ रहा है, तो आप देख रहे हैं इसमें ऑप्शन नंबर जो डी है उसमें डेट दी हुई है, सैम एज अ साइकियाट्रिस्ट इन 1894, वही आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 37, हूज सिग्नेचर्स वर देयर ऑन द लेटर। इस लेटर को चार्ली ने रिसीव किया था, उस लेटर पे किसकी हस्ताक्षर थे। ऑप्शन ए चार्लीज टीचर, बी चार्लीज फ्रेंड, सी सैम एंड डी नन। द एग्जैक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, सैम वेनर जो उसका फ्रेंड था उसी का सिग्नेचर था, हस्ताक्षर था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38, व्हाट डिड द लेटर स्टेट। उस लेटर में क्या लिखा हुआ था। ऑप्शंस है हमारे पास, ऑप्शन नंबर ए कहता है दैट एवरीथिंग इज ओके, दैट सैम इज ज्वाइनिंग देम एंड सी थर्ड लेवल डू एग्जिस्ट एंड चार्ली वाज एडवाइज्ड टू कीप लुकिंग एट दिस वर्थ सीइंग प्लेस एंड डी नन। इसका एग्जैक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 38 का सी, थर्ड लेवल डू एग्जिस्ट एंड चार्ली वाज एडवाइज्ड टू कीप लुकिंग एट दिस वर्थ सीइंग प्लेस। क्वेश्चन नंबर 39 की तरफ आते हैं, व्हाट वाज सैम इनवाइटेड फॉर अकॉर्डिंग टू द लेटर। उस पत्र के हिसाब से, उस लेटर के हिसाब से सैम को किस तरीके से इनवाइट किया गया था, किस लिए। ऑप्शंस, फॉर अ पार्टी, बी फॉर अ टी पार्टी, सी फॉर अ बैचलर्स पार्टी एंड डी फॉर अ लेमनेड पार्टी। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, फॉर अ लेमनेड पार्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 40 क्वेश्चंस हैं, लास्ट क्वेश्चन है ये हमारा, व्हाट काइंड ऑफ अपीयरेंसेस पीपल हैड एट थर्ड लेवल एंड व्हाई डिड द क्लर्क रिफ्यूज टू एक्सेप्ट मनी। ऑप्शंस, फनी एंड क्लर्क रिफ्यूज टू एक्सेप्ट मनी बिकॉज इट वॉज करेंसी ऑफ मॉडर्न टाइम्स। ऑप्शन बी वियर्ड एंड नॉट वर्स बेग, सी वियर्ड एंड नोट्स वर टोर्न, डी वियर्ड एंड नोट्स वर वेट। द एग्जैक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, दैट इज फनी एंड क्लर्क रिफ्यूज टू एक्सेप्ट मनी बिकॉज इट वॉज करेंसी ऑफ मॉडर्न टाइम्स। थैंक यू।